हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे काला चना मसाला। काला चना मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप काला चना। ये मैंने 1.5 कप पानी में रखे थे रात भर सोख करके। सोख करके रखने से चना जल्दी कुक हो जाएगा, हमें ज़्यादा कुकर की विसल नहीं लगेंगी। अगर हम सोख करके नहीं रखते हैं तो हमें 1-2 कुकर की विसल ज़्यादा लगानी पड़ेगी। चना को हम डालेंगे कुकर में। इसमें हम 1.5 कप पानी डालेंगे। पानी इतना होना चाहिए कि हमारे चने डूब जाएँ। फिर इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक और बंद करके स्टोव के मीडियम हाई मोड पर 3 सीटी आने तक कुक करेंगे। जब तक काला चना कुक हो रहा है तब तक हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। मसाले में हम लेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हरा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून छोले मसाला। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और मिक्स करके इसे साइड में रख देंगे। जब हमारे काले चने कुक हो जाए हम लेंगे एक पैन और मीडियम मोड स्टोव पर इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसे गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाए हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून जीरा, और जब जीरा का कलर चेंज हो जाए हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज और 2 कटी हुई हरी मिर्च। और जब तक प्याज सॉफ्ट नहीं हो जाए, इसका कलर चेंज नहीं हो जाए, तब तक इन्हें फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाए हम हमारे स्टोव को लोएस्ट मोड पे कर देंगे और इसमें डालेंगे हमारे मसाले और 1-1.5 मिनट तक इसे कुक करेंगे। इसमें हम डालेंगे चना। अगर आपको सूखा काला चना मसाला पसंद नहीं है तो आप इसमें थोड़ा पानी डालकर मीडियम मोड स्टोव पर 2-3 मिनट तक और कुक कर सकते हैं। आखिर में डालेंगे नमक, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1.5-2 मिनट के लिए मीडियम मोड स्टोव पर इसे कुक करेंगे और फिर बाद में सर्व करेंगे। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अगर अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.